14 फरवरी से धन शक्ति योग का प्रभाव, मकर में मंगल शुक्र की युति, शनि के घर में धन शक्ति योग का निर्माण, किन के रिश्तों में लगेगा रोमांस का तड़का, किन का काम कारोबार धड़ल्ले से चलेगा, किन की शुरू हो जाएगी मौज वाली जिंदगी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम, शक्ति के प्रति शिव का प्रेम और सीता के प्रति प्रभु श्री राम का प्रेम। जी हाँ, रिश्तों में प्रेम का भाव ही इंसान को आगे बढ़ने की, कुछ बनने की ताकत देता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती देता है। और ऐसे में जो कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, हालांकि पश्चिमी सभ्यता का ये एक फेस्टिवल है, और लेकिन ऐसे में 14 फरवरी को ही खास बात ये है कि ग्रह गोचर की दुनिया में मकर राशि में शुक्र और मंगल की युति बन रही है, जिसका संबंध रिश्तों से भी होता है और इंसान के काम कारोबार से भी। तो ऐसे में इस बार का जो ये वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी का दिन 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस बार का वैलेंटाइन डे लोगों के रिश्तों में कितनी मजबूती लेकर आएगा, जानने की कोशिश करते हैं मयंक जी से। जी देखिए कविता जी, आपने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति का ये दिन होता है वैलेंटाइन डे, और वहां तो देखिए उस उन देशों में क्या कल्चर है कि मदर्स डे, फादर्स डे, हर चीज का एक दिन बना दिया जाता था, रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं और प्यार का भी एक दिन बनाया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि स्प्रिंग से, बसंत ऋतु जब शुरू होती है, तो तब से ही ये पूरा एक महीने का एक प्यार भरा मौसम शुरू होता है। पूरे महीने तक कहना चाहिए हमारे यहाँ इस प्यार के मौसम को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और इस बार बसंत पंचमी भी जो है वो देखिए 14 फरवरी के दिन ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सनातन संस्कृति में जो प्यार मोहब्बत जो होता है, ना सिर्फ रिश्तों तक सीमित होता है बल्कि कुदरत तक भी इसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दिन अगर हम इस वैलेंटाइन डे की बात करें, किनके रिश्ते मजबूत होंगे, किनके वैवाहिक जीवन में खुशियां आ रही हैं, किनके प्रेम संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। या ये सुनहरा मौका है क्योंकि शुक्र जो है हम कह रहे हैं कि मकर राशि में है और मंगल के साथ है, साथ में बुध भी है, तो एक सुनहरा मौका है कि आप अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। अगर कोई गलतफहमी है तो इस दिन उसको दूर करें और शुभ योग में अच्छा कार्य करें और अपने रिश्तों को मजबूती लाएं, यही हमारा प्रयास है। 14 फरवरी का दिन मयंक जी मेष राशि के लिए। देखिए मेष राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा ये यादगार दिन रहेगा, और प्रेम संबंधों की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी आपकी खुशियां बढ़ेंगी। ये दिन, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। रिश्तों में और मधुरता आ रही है, जो कड़वाहट थी वो भी दूर होगी और आप इस दिन को और मधुर बना सकते हैं क्योंकि शुक्र मंगल का साथ है। थोड़ा सा और ज्यादा अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करें तो ये दिन आपके लिए और भी शानदार बन जाएगा। वृषभ कितने रिश्तों से जुड़ेगी? वृषभ राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां उथल पुथल चल रही थी, लेकिन ये दिन जो है या ये कुछ दिनों का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ये एक सुनहरा मौका है अपने रिश्तों को, जो पुराने रिश्ते खराब हुए हैं उनको ठीक करने का। ये वो दिन है जब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को भी बेहतर कर सकते हैं, और इस कहना चाहिए शुभ योग में आपका प्रेम संबंध जो है या वैवाहिक जीवन है उसके भी बेहतर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए अष्टम भाव में ये शुक्र और मंगल की युति बनेगी, साथ में बुध भी है, तो इस वैलेंटाइन डे पर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। पहले से ध्यान रख के चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वैलेंटाइन डे वाले दिन आपकी सेहत खराब रहे और आपके पार्टनर को भी फिर इस चीज को बड़ा उनको तकलीफ रहे। और ये दिन आपका कहना चाहिए ना फिर परेशानी भरा भी सकता है क्योंकि शुक्र मंगल अष्टम भाव में है, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और वाणी में कटुता मत लाइए इस दिन के दिन। तो खासकर बदलाव लाने का प्रयास करेंगे तो स्थिति में तेजी से सुधार होगा दोपहर से। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर है क्योंकि सप्तम भाव में जब शुक्र मंगल आते हैं कविता जी या बुध, तो अपने आप ही रिश्तों में मधुरता आने लगती है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ परेशानियां शनि के चलते पिछले कुछ समय से चल रही थी, शुक्र उसको दूर कर रहे हैं, रिश्तों में मधुरता आएगी, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका खुशियों भरा रहेगा, ऐसे ग्रह नक्षत्र आपके दिशा दिखा रहे हैं। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा
क्योंकि रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आपको यहाँ प्रयास करने चाहिए। जो गृह स्थिति बनती है उसके अनुसार कोई भी ऐसी बात अपने पार्टनर के साथ ना करें कि उनका दिल दुख जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो फिर ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके संबंधों में जो है और मजबूती आपको देखने को मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, स्थितियां परिस्थितियां सब आपके पक्ष में रहेंगी, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन मजबूत रहेंगे और जो रिश्तों में कड़वाहट जो तलखी चल रही थी वो भी इस समय दूर हो जाएगी। तो शुक्र के मंगल के साथ रहने का जो ये योग है ये आपके लिए काफी उत्तम है। तुला राशि वालों के केंद्र में ये योग बनेगा और केंद्र में इस योग बनने से सबसे बढ़िया चीजें क्या होती हैं कि आपके वैवाहिक जीवन को इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव जो है सप्तम भाव पर रहेगा शुक्र का और चंद्रमा भी केंद्र में है मेष राशि में इस दिन, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप देखिए वैलेंटाइन डे भी है, शुक्र मंगल की युति है, साथ साथ शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर भी है जी। तो ये योग जो है प्रेम के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा संकेत ला रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये दिन काफी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे भाव में इस युति के चलते यहाँ आपको देखिए मित्रों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, मित्रों के साथ आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं और चंद्रमा की दृष्टि होने के चलते आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। समय बहुत अच्छा है लेकिन आपको क्रोध से बचना है, इस दिन क्रोध आ सकता है, वो आपको टालना होगा बस। धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर है काफी अच्छा रहेगा, समय आपका पहले से बेहतर चल रहा है तो इस समय का और भी फायदा उठाएं, अपने रिश्तों में मजबूती लाएं, अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा कमिटमेंट करें जिससे उनको भी और ज्यादा खुशी प्राप्त हो जी। और साथ ही साथ इस समय आपको क्या करना चाहिए, रिश्तों में मजबूती लाने के लिए उनको कोई सुनहरा सा गिफ्ट दें, कोई प्यारा सा गिफ्ट दें तो ये आपकी चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। मकर वालों के लिए अच्छा है, आपके लग्न में ही शुक्र है और मंगल भी है और सप्तम भाव में देखिए अगर चतुर्थ भाव में बात करें तो आपके चंद्रमा रहेंगे, तो ये चीजें आपकी कहना चाहिए लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके नए संबंध भी इससे बन सकते हैं तो बहुत अच्छे चलेंगे और लंबे समय तक रिश्तों में मजबूती रह सकती है। इस दिन मकर राशि वालों की जो पिछले काफी समय से समस्याएं अगर चल रही हैं वैवाहिक जीवन में या आप बात करें आपकी लव लाइफ में तो अपने पार्टनर को कोई अच्छी ड्रेस गिफ्ट करें इस दिन, खासकर लाल रंग की हो, गुलाबी रंग की हो, काले रंग की कोई भी गिफ्ट हमें डोनेट नहीं करनी है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी पर्स भी या कोई शूज भी अपने पार्टनर को गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें इस दिन तो आपके लिए दिन बहुत ही बेहतर बीतेगा। कुंभ राशि वालों बारहवें भाव में युति बनी है तो देखिए यहाँ आपको ये गलत संबंधों की ओर अग्रसर कर सकती है, यानी कि आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना होगा वरना शुक्र मंगल बारहवें भाव में जो है अनैतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं या आप गलत दिशा में भटक सकते हैं, तो इसलिए उस चीज से थोड़ा सा आपको बचना होगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, जो गृह स्थिति बन रही है वो संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ परेशानियों से आप काफी समय से ग्रसित हैं लेकिन इस दिन को आप एंजॉय करें और शुक्र मंगल की युति है, चंद्रमा की दृष्टि भी है तो ये संकेत दे रहा है कि आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने गृहस्थ जीवन की, जो भी गलत फहमियां हैं उनको दूर करने का ये एक सुनहरा दिन रहेगा। अगर ये सब करेंगे तो देखिए ये दिन और आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। मीन राशि वालों की गृह स्थिति देखिए उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, खासकर उनकी मैरिड लाइफ के लिए और लव लाइफ के लिए, तो स्टार्स आपके फेवर में रहेंगे, संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्ते और भी मजबूत होते चले जाएंगे और ये दिन ये समय जो है आपके लिए बहुत ही सुनहरा और यादगार बन सकता है आने वाले कुछ वर्षों तक के लिए। चलिए तो ये आज हमने महेश्वर जी से जाना, वैलेंटाइन डे का दिन 14 फरवरी 12 की 12 राशि के लिए कैसी रहेगी, कैसी बीतेगी, आपके रिश्तों में कितना प्यार मोहब्बत बरकरार रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।